Hello students, I Sushma Gataria from Surat School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the 12th class syllabus chapter The Rat Trap, written by Salma Legrov. In this chapter the writer highlighted about the uphold belief that essential goodness of a human being can be acquired through love and understanding. मतलब main theme क्या है the writer, why did the writer, theme का मतलब क्या होता है, what kind of things you learn from this chapter. So in this chapter we learn two things about human beings. जैसे कि the our love and our goodness can change someone thought process and ideas about life. For example, एक person है who is very rude about other persons. So अगर हम उनको प्यार से और तरीके से समझाएं तो maybe उनके जो बिहेवियर में स्लाइटली चेंज हो जाता है. ठीक है, सो इट नेक्स्ट इज इट ब्रिंग्स इनटू फोकस दैट द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप व्हिच इज जॉय शेल्टर एंड फूड ऑल आर इलस्ट्रेटिव बेस टू ट्रैप मैनकाइंड. सो बेसिकली यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आती है. एक, आवर लव कैन चेंज, आवर लव एंड अफेक्शन एंड सिंपथी कैन चेंज समवनस लाइफ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. एंड द सेकेंड थिंग व्हिच वी लर्न इज the word is compared with the rat trap in this chapter. So हमारे और वो क्या trap क्या है, riches, joys, shelter, मतलब कुछ जो भी चीज़ें हमें अपने livelihood के लिए चाहिए, that things worked as a trap in the world. Clear? So let's discuss about the title. That the title is it is a kind of metaphor which is used for human predicament. Predicament, that means the behavior or the attitude. जिस तरह से ट्रैप, जैसे जिस तरह से एक रैट को फूल बनाया जाता है, एक बेवकूफ़ बनाया जाता है उस ट्रैप को लगाकर, उस रैट ट्रैप में, जिससे कि वो जो चूहा है वो अट्रैक्ट होता है उस बेट की तरफ एंड ही एंटर इन द रैट ट्रैप एंड समवेयर ही वो उसकी लाइफ जो है वो समवेयर कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है. इन द सेम वे जो ह्यूमन बींग भी हैं उनके जो एलिमेंट्स है, लग्जोरियस एलिमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं एक बेट की तरह काम करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट रीज़न they got trapped, they got fooled by the trap and somewhere they entered in the rat trap that they were not able to get away from that point. Okay, so what is the setting of the story? The set is in the Sweden, rich in iron ore, which figure large in history. Somewhere it is the manner of fairy tale. मतलब एक fairy tale की जैसा ही कहलाई में story इसमें दिखाई गई है. It's not that particular. So इसमें characters की अगर हम बात करें, so we have mainly सिक्स कैरेक्टर, लेकिन अगर हम देखें तो मेनली वी हैव सम कैरेक्टर्स आर वेरी माइनर. द मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स आर द पैडलर, एडला, आयरन मिल ऑनर एंड क्रॉफ्टर. सो दीज आर द फोर कैरेक्टर्स वी हैव विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मेन स्टोरी. अबाउट द स्टोरी बिगिंस लाइक अ फेयरी टेल एज वी डिस्कस. द सेंट्रल आइडिया इज अ बैगर एंड अ पेटी थीफ. पेटी थीफ मतलब छोटा मोटा चोर होता था, जिसे जो सेलिंग रैट ट्रैप, जैसे वो क्या करता था, वो बेगिंग करके और चोरी करके वो रैट ट्रैप से को बनाने के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनको चोरी करता था, भीख मांगता था और उससे वो एक रैट ट्रैप बनाता था. क्लियर? और वो रैट ट्रैप वो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं था, लेकिन वो अपनी बॉडी एंड सोल को टुगेदर रखने के लिए चोरी करना, वो छोटी छोटी पेटी थीफ का मतलब होता है वेरी स्मॉल काइंड ऑफ थीफ. ओके, so he find it difficult to make both ends meet मतलब body and soul together. It makes him reflect about his own condition and the large world at risk. अब देखो सिंपल है, एक पैडलर है. पैडलर मतलब वो घुमक्कड़ इंसान. ठीक है, अगर उसको हम हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो पैडलर का मीनिंग क्या होता है, घुमक्कड़. क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो पैडलर का पोर्शन दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया, कि ही डजंट हैव एनी फैमिली, ही डजंट हैव एनी प्रॉपर स्पेस टू लिव. क्लियर? सो इन दैट वे उस एक उसका अलग ही बिहेवियर है, अलग ही एटीट्यूड है वर्ल्ड की तरफ. क्लियर? सो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो कुछ भी नहीं है, वो एक रैट ट्रैप जैसा ही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इट ऑफर्स द रिच वेरिड बेस टू द पीपल हु बाय दे ऑन देम एंड गेट ट्रैप्ड इनटू द रैट ट्रैप. मतलब वो क्या है कि जो रिच पर्सन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक बाय उस बेट्स में वो कम ट्रैप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर desires. Okay, upholds gradually with the various baits by the beggar. अब देखो यहाँ पे क्या है, beggars जो है वो जो peddler है वो कहीं ना कहीं पूरी story में बहुत सारे ऐसे elements दिखाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं उसको दिखाते हैं कि हाँ मैं trap हो रहा हूँ, उसी तरीके से दिखाते हैं. तो एक उसका उसकी एक meeting होती है old, जैसे हमने discuss किया था characters में, the crofter
The old man meets the generous with hospitality, but the bait of the 3-10 kroners bills is enough to tempt them. तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि उसकी जब से हमने आई थिंक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कि वो एक घर में जाता है जब उसको कोई शेल्टर नहीं मिलता है. सो ही वेंट टू अ एक हट में वो जाता है. उस हट में क्या दिखाया जाता है कि समवेयर ही वॉज नॉट कन्विंस दैट एनी वन कैन वेलकम हिम इन हिज हाउस. बट फिर भी वो जो बूढ़ा इंसान है वो उसको बहुत अच्छे से रखता है, बहुत अच्छे से तरीके से उसको खाना वाना खिलाता है, तो एक प्रॉपर गेस्ट की तरह उसको ट्रीट करता है. ठीक है, लेकिन वो उसको क्रॉफ्टर को जो पैडलर को वो क्या दिखाता है कि मेरे पास 30 क्रॉनर्स, और वो क्रॉनर्स कहाँ टांग देता है, उसके विंडो के पास. क्लियर. अब जब विंडो के पास वो टांग देता है वहाँ पे, तो वो जो बेसिकली ही वॉज अ थीफ, तो उसके अंदर वाला जो चोर है ना वो कहीं ना कहीं जाग जाता है. सो व्हाट ही डिड ऑन द नेक्स्ट डे, अब वो पूरी रात सो नहीं पाता जो पैडलर है, बिकॉज उसको उसके दिमाग में क्या चल रहा था, दैट ही वॉज जस्ट लुकिंग एट द 30 क्रॉनर्स हु हैंग्ड नियर द विंडो. क्लियर. तो नेक्स्ट डे जब अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि क्रॉफ्टर होता है, वो क्रॉफ्टर को जाना होता है ही जस्ट फॉर द मिल्किंग एक्टिविटी, तो वो क्या करता है, वो ही वेंट आउटसाइड. जैसे ही वो जाता है तो अपने, वैसे तो जब निकलते हैं तो ही दे मूव्ड इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शंस, बट सडनली जो जो पैडलर है वो वापस आता है, वो विंडो पेन को अपने हाथ से तोड़ता है और वो 30 क्रॉनर्स को निकाल लेता है. तो यहाँ पे वो जो 30 क्रॉनर्स हैं उन्होंने किस तरह का काम किया है, उसके लिए एक बेट का काम किया, उसके चारे का काम किया, और जिसमें वो ट्रैप हो जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे अब अगेन है, अब फिर जब वहाँ से उसको लगता है कि मे बी आई एम नॉट, आई एम गॉट ट्रैप्ड बाय दिस, सो समवेयर वो रोड को ना पकड़ते हुए वो कहते हैं कि अगर मैं बाय रोड अगर मैं भागूंगा डेफिनेटली आई गॉट ट्रैप्ड बाय द पर्सन एंड दे विल कॉट मी अगेन. सो वो क्या करता है, वो किसको, वो एक जंगल के रास्ते में चला जाता है. ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट. अब जब वो फॉरेस्ट के साइड में जाता है, ही वॉज नॉट एबल टू गेट द वे वेर ही वॉज एबल टू गेट अवे फ्रॉम दैट फॉरेस्ट, बट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टिल इवनिंग और टिल नाइट ही हैव टू बी इन द फॉरेस्ट, एंड ही वॉज नॉट एबल टू गेट एनी वे टू गेट अवे फ्रॉम दैट फॉरेस्ट. सो वट ही डिसाइड टू डू, अब बिकॉज क्योंकि आप सोचो पूरा दिन द पर्सन गॉट ही डजंट ही वॉज नॉट एबल टू हैव एनी फूड, ही वॉज नॉट एबल टू हैव एनी काइंड ऑफ ड्रिंक, सो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने के कारण वो मुँह के बल गिर जाता है. क्लियर. एंड सडनली उसके कानों में ना एक आवाज़ आती है जैसे समवन इज पुटिंग अ हैमर ऑन द आयरन. क्लियर. तो बहुत तेज से उसको, तो उसका आवाज़ समझ में आती है कि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन है, तो वो उस आवाज़ की तरफ वो क्या करता है, अट्रैक्ट होता है. सो नेक्स्ट एट द अगेन वो राम्स जो आयरन वर्क्स में तो आयरन मिल वाइल सीकिंग शेल्टर फॉर द नाइट. अब देखो जैसे उसने शेल्टर लिया था उस झोपड़ी में, उस ग्रे हट में, इन द सेम वे उस रात को उसने कहाँ पे शेल्टर लिया था, राम जो आयरन मिल में. द ट्रैप बाइट्स द बाइट ऑफर्ड हिम बाय द ऑनर. अब देखो यहाँ पे जो ऑनर आया, ठीक है, अब वो ऑनर जो है उसको क्या करता है, उसको एक और ऑफर देता है. देखो क्या होता है, बिकॉज उस टाइम पे एक जो फर्नेस जब जल रही होती है, रात का टाइम होता है, ओनली वन फर्नेस इज ब्लोइंग इन द आयरन मिल एंड द ब्लैक स्मिथ वॉज डूइंग हिज ओन एक्टिविटी. अब वो जब दरवाज़ा खोलता है बिकॉज ऑफ द हैमर वॉइस ही वॉज नॉट, जो वर्कर है उसको आवाज़ सुनाई नहीं देती कि कोई दरवाज़ा खुल के, तो जैसे ही पैडलर उसके साइड में खड़ा होता है एंड वैसे उसको टर्न करके, तो वो जो पैडलर है उसे सिर्फ एक थोड़ा सा बोलता है कि कैन आई स्टे हियर, कैन आई स्लीप ओवर देयर, तो वो एक हाथ से उसको इशारा करके कहता है ओके यू कैन ले डाउन देयर. ओके, सो इन द मीन टाइम जो ऑनर है, आयरन मिल ऑनर जो होता है, वो वहाँ पे आता है एंड ही वो क्या करता है, ही जस्ट उसको देखता है कि हाँ ये समवन इज लेइंग डाउन ओवर देयर, तो वो उसके पास जाता है, वहाँ पे उसको मिसअंडरस्टूड कर लेता है, उसको लगता है कि उसका जो अपीयरेंस होता है ना पैडलर का, उसके एक ओल्ड फ्रेंड के साथ बहुत सिमिलर मिलता जुलता सा था. सो उसको वो मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि मे बी शी ही वॉज माई ओल्ड फ्रेंड. क्लियर. सो उस ओल्ड फ्रेंड को वो कंसीडर कर लेता है और वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि सर डे आफ्टर टुमारो, येस्टरडे, सो टुमारो इज क्रिसमस ईव, सो आई वांट दैट प्लीज़ कम टू माय हाउस एंड आई नो यू आर माय फ्रेंड कैप्टन, हाउ आर यू, मतलब उसको बोलता है कि कैप्टन तुम कैसे हो, बहुत दिनों से तुम आर्मी से तुम्हें निकाल दिया गया था, आई नो तुम्हारी कंडीशन इस वजह से है, बिकॉज यू आर स्टक, यू आर जो एक्सपेल्ड फ्रॉम योर जॉब. तो यहाँ पे वो उसको मतलब मिसअंडरस्टूड कर, बट यहाँ
वहाँ पे भी वो जो पैडलर है उसको लगता है कि मैं दोबारा ट्रैप होने वाला हूँ. सो वो क्या करता है कि ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, वो मतलब हाँ नहीं करता. वो कहता है प्लीज़ कम विद मी टू माई हाउस. अब देखो जो पैडलर है उसको पता है कि आई एम नॉट दैट पर्सन हुम ही वॉज थिंकिंग फॉर. क्लियर? तो यहाँ पे जो पैडलर है वो मना कर देता है, नॉट आई एम नॉट रेडी टू. अब यहाँ पे जो आयरन मिल ऑनर है वो क्या करता है, ही टेक वो कहता है कि ओके मैं जानता हूँ कि तुम कैसे आओगे. आई विल डेफिनेटली माई डॉटर विल कम टू टेक यू. ओके, सो यहाँ पे वो अपने डॉटर को बुलाता है एंड फाइनली वो उसको मना लेती है. क्लियर? सो फाइनली द बिटर ट्रुथ डॉन्स थ्रू द होस्ट एडला. अब वो जैसे लास्ट में वो क्या करती है कि उसको एडला जो है उसको कन्विंस कर लेती है कि फाइनली हम उसको अपने घर लेके जाएंगे. क्लियर है? अब एडला को कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि मैं वो इंसान वो नहीं है जो जिसको वो समझकर घर में लेके आए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जब वो देखते हैं एक उस इंसान को तो फाइनली उनको वो नज़र आता है कि दैट दिस इज़ नॉट दैट पर्सन होम वी thinking for. Okay, so in this chapter, in this video, we'll discuss till that thing. Okay, thank you.